हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो कृष्णापथ यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है और मेरा नाम है कृष्णकांत शर्मा और आज हम हैं जोधपुर में और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जोधपुर का सबसे बेस्ट फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट। तो राजस्थान में बताते हैं कि सबसे बड़ा फोर्ट है मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ये यहाँ का कुछ रोड्स वगैरह हैं जो हम मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। पिछली रात को थोड़ी सी आंधी वगैरह आई थी, बारिश वगैरह, तो उस वजह से यहाँ का माहौल थोड़ा सा धूल वगैरह आपको थोड़ी सी दिख जाएगी, बट फिर भी आपको मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को साथ तक देखते रहें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबाएं। और ये यहाँ का जोधपुर जंक्शन स्टेशन है, यहाँ पर मूर्ति भी लगी हुई है। तो यहाँ का रात को काफ़ी अच्छा सजाया जाता है इस स्टेशन को, जो कि आप देखोगे अगली वीडियोज़ में। अभी हम जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ। तो ये यहाँ पे गेट से एंटर करते हुए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है वो घंटाघर है। यहाँ के आसपास के एरिया से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। हम तो मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी गए थे तो यहाँ पे अभी सारी शॉप वगैरह कुछ क्लोज हैं और कोरोना का टाइम भी है। वैसे आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, शॉपिंग एरिया है यहाँ पे, हर तरह की शॉपिंग आपको अच्छे से कर पाओगे आप। इसे घंटाघर बोलते हैं। ये स्टेशन से करीब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, करीब होगा 3-4 किलोमीटर के करीब पास में ही होगा ये फोर्ट। तो ये घंटाघर है और इसके थ्रू हम जाने वाले हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। रास्ते में मैं आपको बताता चलूँगा कि और क्या क्या मिलने वाला है। वैसे जोधपुर को ब्लू सिटी भी बोलते हैं, नीला शहर। यहाँ पे काफ़ी नीले घरों का पेंट वगैरह हुआ हो रखा है, इसलिए इसको नीला शहर भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस घर का पेंट नीला हुआ है, तो इसे ब्लू सिटी भी बोलते हैं। पुराने ज़माने के इसकी स्टोरी है कि पुराने ज़माने के लोगों ने, पंडितों ने या और लोगों ने अलग दिखने के लिए अपने घरों को पेंट करना शुरू कर दिया था ब्लू कलर में। तो ये इसकी स्टोरी है। बाकी कुछ काफ़ी गलियों वगैरह से हम कुछ शॉर्ट रास्ते से जा रहे हैं, इस वजह से हमको गलियों से होके गुजरना पड़ रहा है। बाकी मेन रास्ता भी है कार वगैरह के लिए अलग से भी, हम थोड़ा शॉर्ट जा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये मेहरानगढ़ फोर्ट है। ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये फोर्ट और राजस्थान के सबसे ऊंचाई पे यही फोर्ट है। बाकी जयपुर में आपको नाहरगढ़ वगैरह का फोर्ट भी दिख जाएगा, वो भी काफ़ी ऊंचा है, बट ये काफ़ी ऊंचाई है और काफ़ी बड़ा भी है ये बाकी फोर्टों से। तो धूल मिट्टी की वजह से फ़िलहाल ऐसा माहौल दिख रहा है, बाकी काफ़ी पास आप रियलिटी में देखोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा दूर से ये। तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं, यहाँ हम बाइक पार्क कर लेंगे और आपको हर एक जगह बताएंगे हम मेहरानगढ़ फोर्ट की। तो वीडियो को देखते रहें। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह लगी हुई हैं कि अंदर फोर्ट में क्या क्या है, जिप लाइन वगैरह और सीस महल वगैरह, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, तो वो डिटेल्स आपको दी गई हैं। अब हम चलते हैं। तो टिकट वगैरह ख़रीदने के बाद आपको टिकट अंदर की तरफ मिलेगा, ये यहाँ से एंट्री है, ये इसका फर्स्ट गेट है। यहाँ पे चेकिंग वगैरह करके कोरोना के टाइम पे हम अंदर आ चुके हैं और टिकट वगैरह लेने के बाद हम अंदर एंटर करते हैं। तो टिकट यहाँ पे नॉर्मल 150 रुपये का था और स्टूडेंट के लिए 100 रुपये का, मतलब 150 एंड स्टूडेंट के लिए 100 का है। तो आगे हम पूरा पहाड़ पर बना हुआ है ये, काफ़ी अच्छा लगेगा देखने पे आपको, काफ़ी अच्छा है वैसे तो देखने में, बाकी अंदर जाके पता चलेगा कितना अच्छा है कि नहीं। बाकी धूल मिट्टी की वजह से पूरा सिटी नहीं दिख रहा है जैसा कि। तो ये यहाँ के फर्स्ट एंट्री होगी। चाय वगैरह भी पी सकते हैं आप, मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी लोग जल्दी आ गए। हम थोड़ा सा लेट आए थे, हम 10 बजे आए थे, 9 बजे खुल जाता है ये फोर्ट वैसे। तो ये फोर्ट का नज़ारा है कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है राव जोधा जी के, तो राव जोधा जी ने इसको बनवाया था, ये राठौड़ों के राजा हैं। स्टार्टिंग में ये बजाने को बजाते भी हैं यहाँ पे राजस्थानी लोग, अगर राजस्थानी क्लासिक म्यूजिक आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ गलियारों से होते हुए हम फोर्ट के अंदर इंटर करेंगे। यहाँ के बड़े बड़े दरवाजे और इन पे एकदम कांटे जैसे टाइप के लगे हुए हैं, अभी तो खैर घिस चुके हैं बट हाँ, प्रोटेक्शन के लिए। तो शुरू में स्टार्टिंग में गणेश जी का मंदिर मिलेगा आपको, छोटा सा हाथी भी है, तो आपको नमस्ते करके
आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको हाथ मिलेंगे, पुराने लोगों के प्रतीक को दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ बर्तन हैं पुराने ज़माने के। तो गणेश जी से स्टार्ट होता है, जैसे कि क्योंकि ये राठौड़ों का है तो भगवान को काफ़ी मानते हैं और मानना चाहिए आई थिंक हर किसी भगवान को। तो ये यहाँ पे फोर्ट में अपन एंटर कर चुके हैं और ये आपको फर्स्ट व्यू दिखेगा यहाँ से फोर्ट किस तरह का दिखता है। एक्चुअली ये म्यूज़ियम इंक्लूडेड है, बाकी फोर्ट अलग है और म्यूज़ियम अलग है। म्यूज़ियम इसके अंदर है, फोर्ट इसका चारों वे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हैं हौदा, इनको वैसे तो आपको पाल के टाइप लगेंगे बट ये हाथी पे रखने वाले हौदा हैं। आपको अच्छे अच्छे तरह के पालकी भी हैं यहाँ पे, अलग अलग तरह की ये हौदा है यहाँ पे, अलग अलग टाइप के। आप वीडियो पॉज करके आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट हौदा लिखा हुआ है। तो जब भी राजा कहीं जाते थे इनको यूज कर देते, आप जानते ही होंगे। तो ये सबसे बड़ा होता है यहाँ का। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ये एग्जिट है यहाँ से। निकलने के बाद हम एक छोटे से और म्यूजियम में आएंगे, तो वहाँ पे आपको तलवारें का एक तलवार वगैरह दिखेंगी आपको। और ये सबसे बड़ी पालकी यहाँ पे सेंटर पे रखी हुई है, जो कि ये सबसे बड़ी पालकी है यहाँ की, जो कि ऑब्वियसली शादी के लिए ही होगी। ये कुछ पता नहीं ये क्या है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये तलवारें जैसा कि आप देख सकते हो, बाकी पॉज करके आप हर एक डिटेल पढ़ सकते हैं। ऑडियो गाइड वगैरह भी मिल जाएगा आपको 200 के करीब में। ये मुकुट ढाल वगैरह हर तरह की चीज़ें आप वीडियो पॉज करके हर एक चीज़ पढ़ पाओगे। तो ये कुछ मदिरा पान के, मतलब दारू वारू पीने के पुराने ज़माने के कुछ आइटम्स हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल, इस तरह के कपड़े पहन के इनको सर्व किया जाता था, ये शो कर रखा है। ये भी एक पीने का ही एक चीज़ है वैसे, क्वारंटाइन का बॉक्स, सीक्रेट चीज़ रखने के लिए। और ये ट्रेन का सैंपल है यहाँ पे, पुराने ज़माने की सबसे पहली ट्रेन 1856 वगैरह में स्टार्ट हुई थी। ये गणगौर जी की मूर्ति है, जो गणगौर पूजा करते हैं तो उनकी। तो ये यहाँ पे बड़े बड़े ताले और चाबी हैं, इस तरह से लगते थे ये पुराने टाइम पे। इतनी बड़ी चाबी है, ताला है। यहाँ पे हर एक राजा के टाइम के ये कॉइन्स वगैरह हैं, जोधपुर में जितने भी कॉइन्स वगैरह चले राजा वगैरह के टाइम के, तो आप देख सकते हैं इनको किस राजा के टाइम पे कौन से कॉइन्स वगैरह चले हुए थे। ये देखो पुराने ज़माने की बंदूकें भी हैं यहाँ पे। राव जोधाजी ने इस शहर को बसाया था करीब 800 साल पहले, वो मध्य भारत से आए थे और यहाँ पे आके बसे थे। फिर उन्होंने ये फोर्ट बनाया, मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ये यहाँ की चित्रशैली आर्ट वगैरह है, पेंटिंग वगैरह की हुई है यहाँ पे, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो मेहरानगढ़ फोर्ट का मतलब मेहरान का मतलब है सूर्य, इसे सूर्य फोर्ट भी, सूर्य दुर्ग भी बोलते हैं। और इसकी सिटी को तो बोलते ही हैं ब्लू शहर, ब्लू सिटी, नीला शहर। तो यहाँ पे इस तरह से पेंटिंग वगैरह की जाती थी, ब्रश वगैरह कैसे पेंट को स्टोर वगैरह करते थे। ये सीपी वगैरह के कुछ आइटम हैं, जिनको सीप के कुछ पोर्ट हैं, पार्ट्स हैं, उनमें पेंट वगैरह को यूज करके यहाँ पे इस तरह से पेंटिंग की जाती थी पुराने ज़माने में। इनके पेंटर्स के नाम भी लिखे हुए हैं कुछ पेंटिंग्स पे। बाकी बहुत सारे वो सामने आप देख रहे हैं, ये पुराने टाइम के सब राजा हैं, सब पेंटर अनोन है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप जब यहाँ पे आओगे तो आप सारा कुछ डिटेल लिखी हुई होगी, शायद आपको गाइड की ज़रूरत ना पड़े बट आप पढ़ पाओगे। ये यहाँ का एक्चुअली आप इसे शॉर्ट में आर्ट गैलरी या पेंटिंग की गैलरी बोल सकते हैं। ये राजा बैठे होंगे, उनकी कुछ ताशियाँ वगैरह। यहाँ से हम ऊपर की तरफ एंटर करेंगे। वैसे ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है बट यहाँ पे हर चीज़ बंद मिलेगी, तो कुछ फ्लोर्स पे हम जाएंगे और हर जगह पे छोटे छोटे एरिया में कुछ कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें रखी हुई हैं। ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा,
ये कारपेट वगैरह हैं, वॉल वगैरह, और इस तरह पुराने ज़माने के टाइम के। तो अंदर हम देखेंगे ये सी स्मेल है, आगे ये इसका साइड पोर्शन है, जैसा कि आमिर फोर्ट में भी आपने देखा होगा सी स्मेल है। आमिर फोर्ट का थोड़ा बड़ा है और काफ़ी क्लियर बाहर से दिख जाएगा, बट ये थोड़ा सा इस तरह का है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है सी स्मेल का, इस तरह का ये सी स्मेल है। आगे इसकी एक फ़ोटो भी है जो आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं पुराने ज़माने के तो शीशों का कलर एकदम डाउन हो चुका है। तो ये शीश महल है यहाँ का, ये भी राजाओं के मीटिंग, मंत्री वगैरहों की मीटिंग वगैरह करने का एरिया है यहाँ पे। इसको फूल महल बोलते हैं इस जगह को, मतलब यहाँ से अगर धूल वगैरह नहीं हुई होती तो आपको बहुत क्लियर नज़ारा दिखता, पूरा ब्लू सिटी दिखता। बट जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, थोड़ी फूल वगैरह उड़ने लगी थी तो इसलिए अभी तक छटी नहीं है वो। तो ये तलवार बनाने का पूरा प्रोसेस है, अगर आपको बनाना हो तो तलवार आप बना सकते हैं इस तरह से। बाकी तलवारों की ये पूरी गैलरी और म्यूज़ियम है, ये भाले वगैरह हैं और यहाँ पे बंदूक वगैरह भी हैं, तलवार के अलग अलग आइटम्स हैं, मतलब मारने के लिए पुराने ज़माने के हथियार वगैरह हर तरह के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये पुराने ज़माने के ढाल वगैरह, कवच वगैरह, बड़ी बड़ी तलवार हैं। ये और उनका रेस्टिंग पोर्शन है रेस्ट वगैरह करने के लिए। और हम जाएंगे अब सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ। तो वहाँ से हम नीचे से आए थे और ये पहाड़ों का एरिया दिख जाएगा आपको, सॉरी वीडियो के लिए, बट धूल मिट्टी की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट नीचे से हम आए थे तो ये इस तरह का नज़ारा है। ये पुराने ज़माने के दरवाजे हैं यहाँ पे, और म्यूजियम का काम चल रहा है और कुछ आइटम्स लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वो भाई साहब लगा रहे हैं यहाँ पे। और अब हम आगे चलेंगे। ये यहाँ पे पुराने पंडितों और मुनिमों का कुछ चीज़ें हैं जो लेखा जोखा करते थे, उनका ये एरिया है, ये श्री यंत्र है और यहाँ पे मंदिर भी है छोटा। ये है मोती महल, बॉक्स वगैरह हैं, कुछ खरीदना हो तो यहाँ से। यहाँ पे पास में मंदिर भी था जो कि बंद कर रखा था, काफ़ी एरिया बंद है यहाँ पे। यार ये यहाँ पे एंडिंग पॉइंट वगैरह आ गया है यहाँ पे, मुझे तो लगता है पैसा बर्बाद ही सी है यहाँ पे। जैसे कि जयपुर घूम लो, जोधपुर घूम ले का कोई प्लान मत बनाओ मेरे ख्याल से, तो सीरियसली जो भी छोटा सा छोटे से ज़्यादा ही है घर, तो ज़्यादातर एरिया पूरा बंद कर रखा है यहाँ का। और जो कुछ भी एरिया है वो आपको एक दो बस म्यूज़ियम टाइप की कुछ चीज़ें दिखेंगी पुराने ज़माने की, ऐसा महल आपको देख ही नहीं पाओगे ढंग से कि महल का ये स्ट्रक्चर है, ये डिटेल्स वगैरह कुछ आपको कुछ भी डिटेल नहीं मिलेगी यहाँ पे। और 150 रुपये का टिकट है यहाँ का यार, मतलब सीरियसली मुझे तो काफ़ी महंगा लगा ये नॉर्मल से। हालांकि आमिर वामिर का टिकट भी काफ़ी महंगा कर दिया, पर पहले काफ़ी सस्ता था, हो सकता है अभी यहाँ पे महंगा हुआ हो। तो देख लेना आप जो भी है, ये वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है मैंने। वैसे पीछे का पोर्शन है जो कि मंदिर बंद मिला था, सी स्मेल में भी अंदर नहीं जाने दिया अंदर की साइड में। वहाँ पे कई जगहों पे ऐसे जब फोटो खिंचाने का सीन नहीं है, मतलब यार ठीक नहीं लगा मुझे थोड़ा सा। बाकी अच्छा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ठीक नहीं लगा, काफ़ी बड़ा है देखने के लिए, काफ़ी बड़ा है ये, बट जयपुर बेस्ट सिटी है आई थिंक। तोप वगैरह एकदम किले की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी तोप है। यहाँ से वैसे पूरा सिटी दिखता है, बट अभी लास्ट टाइम आंधी आई थी तो इस चक्कर में पूरा धुआं धुआं धूल मिट्टी हो गई। बाकी ये प्रोटेक्शन के लिए तोप है, उधर भी लगी हुई है काफ़ी, किले के चारों दीवार में तोप लगी हुई है ये। तो दोस्तों ये यहाँ का फोर्ट है, बहुत ज़्यादा खास मुझे कुछ लगा नहीं, बट आप इन्जॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें एक दूसरे दोस्तों को। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का म्यूजिक बजा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।